लोग प्रतिदिन अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं। लोग भगवान की पूजा करने के दौरान सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं और उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का वो नाश कर दे। लेकिन अगर आप भी भगवान की पूजा करते हैं और पूजा करने के दौरान आपको ये संकेत मिले हैं तो समझ लेना चाहिए कि जल्दी ही आपकी परेशानियां दूर होने वाली हैं। अगर पूजा करते वक्त आपको भी यह संकेत मिले तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी सुन ली है और जल्दी ही वह आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। दरअसल अगर भगवान की पूजा करते वक्त आपकी आंखों से आंसू गिरता है या आपको रोना आ जाता है तो वो इस बात का संकेत होता है कि आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंच रही है। आचार्य बताते हैं कि देवता भाव के भूखे होते हैं और ऐसे में रोना आना एक शुभ संकेत हो सकता है। ये भावना की बात है। फलों को शास्त्र में बताया जाता है कि वाक्यं भुक्षन्ति पितरः भाव भुक्षन्ति देवता। देवता भाव को भूखे होते हैं, भाव से उनको पुकारें, भाव से बुलावें, जो भी करेंगे भावना में आकर के अगर अश्रु भी अगर निकलता है तो वह शुभ ही माना जाता है। और पितरों का अगर कोई पूजा करें तो जितने वाक्य बोलें, जितने उसके पुकारें, जितने वाक्य बोलें उसे पितर लोग प्रसन्न होते हैं। इसलिए कहा गया है कि वाक्यं भुक्षन्ति पितरः भाव भुक्षन्ति देवता। देवता भाव के भूखे होते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित शत्रुघ्न झा बताते हैं कि पूजा करते समय अगर आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो वो इस बात का संकेत है कि आपका मन शुद्ध है और आप पूरे अंतर मन से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। इससे आपका सीधा संपर्क ईश्वर से हो रहा है। पूजा के समय आंखों से निकले आंसू इस बात का भी संकेत देते हैं कि आपकी पूजा सफल हो रही है। इसके अलावा इसका अर्थ यह भी होता है कि भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि आपकी परेशानी जल्द ही समाप्त होने वाली है। तो ऐसे में अगर आप भी पूजा करते हैं और पूजा करने के दौरान आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए ये काफी सकारात्मक संदेश है। लोकल टीम के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।